नमस्कार दर्शकों, कैनन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव से निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया को टिकट मिलते ही कांग्रेस नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। गुरुवार को बुरहानपुर शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शेरा भैया का पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया। कार्यकर्ताओं का आक्रोश है कि पिछले विधानसभा चुनाव में शेरा भैया ने कांग्रेस के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी, जिसका खामियाजा कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, और अब कांग्रेस ने निर्दलीय को टिकट देकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भावना को ठेस पहुंचाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस शहर अध्यक्ष रिंकू टाग पार्टी के निर्णय को स्वीकारते हुए एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही। रिंकू टाग ने कहा कि पिछले चुनाव में भले ही शेरा भैया निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उनका पूरा परिवार आज भी कांग्रेस पार्टी से समर्थित है। एक विरोध हुआ और जो प्रत्याशी है उसका मिडनाइट पुतला भी दहन किया गया, क्या आपका इस बारे में कहना और क्या कार्रवाई करेंगे? देखो, विरोध किसी तरीके का कहीं कुछ नहीं रहा है। ये जो है सब अपनी अपनी जब तैयारी, लोग चुनाव लड़ने की बात करते हैं, चुनाव आते हैं तब अपने अपने हिसाब से अपने टिकट की मांग करते हैं, अपना डिमांड करते हैं। सबने अपने अपने डिमांड करी थी टिकट कुलवंत सिंह जी को, माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय खड़गे जी ने दिया है, तो हम लोग सब कुलवंत सिंह जी के साथ में हैं और हम लोग ताकत से यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। कल पुतला जलाया गया है और उसमें आपके कांग्रेस के जिम्मेदार वहाँ मौजूद थे। हम आज ही, मेरे को अभी अभी कुछ समय पूर्व ही आप लोगों के माध्यम से ही इस चीज़ों की जानकारी मिली कि कल रात को पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है, तो मैं पहले से पता करूँगा कि पुतला दहन हुआ है, किसने किया, क्या किया और किसका पुतला जला है, तो इसकी विस्तृत रिपोर्ट बना के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के पास भेजूंगा, और उसके बाद उनका जिस तरीके के अभी जो आदेश होगा, जो उनका मार्गदर्शन मिलेगा, उस हिसाब से यहाँ पर आगे की रणनीति उन लोगों